अगर आप उनके पास जमा नहीं करेंगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। वही है, इसको आप खा सकते हैं इडली। कुछ भी। तो ले इसको और चल के देखते हैं अपन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है वकार, मेरे साथ में है अदनान। तो हम आज जाने वाले हैं रानीबाग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बाइकला स्टेशन पे हूँ। सो हम जाने वाले हैं रानीबाग। तो चल के देखते हैं रानीबाग में क्या क्या देखने मिलता है और क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। तो चलेंगे, लेट्स गो, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए बाइकला जू रानीबाग। तो आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा रानीबाग का एरिया। अब आओगे तो आपको ऐसा ही कुछ व्यू दिखेगा रानीबाग का। तो चल के देखते हैं अंदर क्या क्या देखने मिलता है ना, क्या बोलते हैं अदनान? हाँ चलो चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है रानीबाग। आने का मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि जब आप बाइकला स्टेशन आओगे तो बाइकला स्टेशन से आपको ईस्ट में उतरना है बाइकला के, और वहाँ से आपको एक फ्लाई ओवर दिखेगा। उस फ्लाई ओवर को क्रॉस करके मतलब नीचे से आप आओगे ना उसके, तो लेफ्ट मार के आपको वहाँ से लेफ्ट लेना है आपको। तो हार्डली 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे आप बाइकला जू पहुँच जाएंगे। तो इसको चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या देखने मिलता है बाइकला जू में। गेट से जब अंदर आओगे ना आप, तो यहाँ पार्किंग के लिए एरिया बनाया हुआ है राइट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ आप आगे पार्किंग कर सकते हैं। 4-व्हीलर पार्किंग का एरिया है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है पार्किंग का। और आप गेट से जब लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको ये बाइक पार्किंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे सब पूरा बाइक पार्किंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइक पार्किंग है, आप यहाँ आके अपना बाइक पार्क कर सकते हैं। ये राइट साइड में कुछ गार्डन एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कि गार्डन एरिया है, बैठने के लिए अच्छा जगह है ना उधर। ये बैठने के लिए अच्छी जगह है, मतलब अभी तो फिलहाल धूप है, जब शाम होगी ना, जब धूप कम होगी तो आप फैमिली के साथ यहाँ बैठ के अपना टाइम अच्छा एक स्पेंड कर सकते हैं। भाई आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बाइकला जू का पूरा मैप है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैप है पूरा यहाँ पे। तो अब इससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसा जाना है और कहाँ कहाँ जाना है, वो आप देख सकते हैं। तो टोटल इसमें 22 सेक्शन दिखेंगे। ये पूरे बाइकला जू में ना टोटल 22 सेक्शंस है जहाँ पे अपने को एक्सप्लोर करना है। सो गाइस अभी हम चलेंगे टिकट काउंटर पे। ये आप देख सकते हैं कि ये टिकट काउंटर है पीछे, वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। सो चल के अपन टिकट लेते हैं ना अदनान। सो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन टिकट का भी सोर्स है, जैसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या क्यू लंबी है तो आप ऑनलाइन टिकट भी निकाल सकते हैं। ये जो QR कोड है, ये QR कोड को आपको स्कैन करना होगा, यहाँ से आपको फिर पेमेंट करना होगा। और अंदर वहाँ अंदर मशीन से उस कमरे में, तो मशीन के थ्रू आपको सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मशीन पे, तो वहाँ जाके आप अपना टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये टिकट काउंटर है। सो गाइस फाइनली हमने ले लिया टिकट, आप देख सकते हैं कि टिकट है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और बाइकला जू को रानीबाग को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस जो बाइकला जू है मतलब जो रानी का बाग है, उसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपको। ये सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है ना अदनान? और जो इसके टिकट्स है, जो टिकट्स के रेट्स है वो भी आपको बता देता हूँ। जो अडल्ट है मतलब हमारे जैसे अडल्ट है उनके लिए 50 रुपीज़ का टिकट है, और जो चिल्ड्रंस है मतलब 3 इयर्स to 12 इयर्स है ना, उनके लिए 25 रुपीज़ का टिकट है। और जो फैमिलीज़ होती है, जो फैमिली है मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे 3 to 12 इयर्स इनके ही बीच में ही, उनके लिए 100 रुपीज़ का टिकट है ना। और जो फॉरेनर्स है वो फॉरेनर्स के लिए 400 का टिकट है, मतलब जो फॉरेनर अडल्ट है उनके लिए 400 रुपीज़ है। और जो फॉरेनर चिल्ड्रंस है
उनके लिए 200 रुपीज़ का टिकट है ना। और जो चिल्ड्रंस है मतलब 3 to 12 ईयर्स की जो चिल्ड्रंस है उनके लिए फ्राइडे के लिए फ्री है, ओनली फ्राइडे उनको उनके लिए फ्री एंट्री है। और जो और क्या था उस और एक कुछ तो है भाई, भूल गया हूँ मैं वो। और जो सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन, अच्छा हाँ सीनियर सिटीजन बराबर, बोलिए बोलिए बोलिए। सीनियर सिटीजन और जो अपाहिज लोग रहते हैं उनके लिए, अपाहिज मतलब डिसेबल लोग, डिसेबल लोग उनके लिए हर रोज़ फ्री एंट्री है। हाँ उनके लिए हर रोज़ फ्री एंट्री है। जो डिसेबल और जो सीनियर सिटीजन है मतलब अबो 60 उनके लिए एवरीडे फ्री है यहाँ पे एंट्री, उनके लिए टिकट्स नहीं है, वो आके अपना यहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं। तो यही है टाइमिंग और सब आपको बता दिया हूँ मैंने, तो चलते अभी एक्सप्लोर करते और क्या क्या देखने मिलता है ना। सो गाइज ये जो बाइकल्ला जू है मतलब रानी का बाग, ये पूरा 50 एकर्स में फैला हुआ है ना, पूरा 50 एकर्स में फैला हुआ है। इसका जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है पूरे 50 एकर्स के एरिया में किया हुआ है। सो इतने बड़े गार्डन को हम चलो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितना टाइम जाता है इसको करने के लिए। तो ले इसको और चल के देखते हैं अपन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एंट्रेंस गेट है, एंट्री गेट है, अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। सो ये क्यू लगी हुई है, अभी हम क्यू में लग के यहाँ से एंट्री करेंगे। तो गाइज हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर बाइकल्ला जू में, आप देख सकते हैं बाइकल्ला जू। लेकिन जो एंट्री का गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, वो एक चेक पोस्ट की तरह बना हुआ है। आपके पास अगर कुछ खाने की चीज़ें हैं या फिर वाटर बॉटल है जो यूज एंड थ्रो है प्लास्टिक की, तो वो आपको अंदर आने के लिए मना करेंगे और अपने पास जमा कर देंगे। अगर आप उनके पास जमा नहीं करेंगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेंगी। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओगे अपने साथ में तो एंट्री गेट पे ही आपको सब उनके हाथ में देना होगा और अंदर आना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स लगे हुए हैं कि आपको कैसे कहाँ जाना है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट के सेक्शन में है ना। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो लेट्स गो, चल के देखते हैं अभी हम एलिफेंट के सेक्शन में एलिफेंट देखने मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके आपको दिखाऊंगा आज, सब एक्सप्लोर करवाऊंगा आज। सो गाइज एलिफेंट तो हमने देख लिए, सो अभी हम चल रहे हैं लायन देखने के लिए है ना अन्ना। लायन को तो अभी हम लायन देख के, हम लायन के सेक्शन में आए थे तो अभी लायन तो अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है माजा आगमनाची वाट पहा वेट फॉर अराइवल। लायन तो अभी आया नहीं है, अभी तक आना बाकी है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है थांबा आम्मी लवकरच येत आहे वेट आई एम कमिंग सून। लायन तो अभी तक अराइवल नहीं हुआ है, लायन कमिंग सून है। तो अभी हम चलते हैं वुल्फ के सेक्शन में, तो वुल्फ के सेक्शन में चल के देखते हैं वुल्फ देखने मिलता है या नहीं मिलता है। मिलना तो चाहिए वुल्फ है ना अपना, क्या बोलते हैं। हाँ यहाँ तो अवेलेबल दिखा रहा है, अवेलेबल तो दिखा है, लेकिन चल के देखते हैं। गाइस यहाँ पब्लिक तो है वुल्फ के सेक्शन में, सो शायद यहाँ पे वुल्फ है, नज़दीक है शायद, इसके लिए पब्लिक यहाँ बहुत जमा है। सो चल के देखते हैं। सो गाइस वुल्फ तो नहीं है यहाँ पे, बियर है, बियर। तो गाइस वुल्फ के सेक्शन में हमको वुल्फ तो देखने नहीं मिला, बियर देखने मिला, बियर तो काफ़ी नज़दीक से देखने मिला। सो अभी हम चलते हैं टाइगर के सेक्शन में है ना। टाइगर वो देखो वहाँ से देख रहा है, टाइगर के सेक्शन में पब्लिक बहुत है, तो चल के देखते हैं टाइगर के सेक्शन में टाइगर नज़दीक से देखने मिलता है या नहीं मिलता है। टाइगर अपने को देख रहा है, हम तेरे को ही देखने आए हैं। टाइगर के सेक्शन में आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी है, बहुत भीड़ है और टाइगर। तो भाई टाइगर तो दिख गया, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, टाइगर टाइगर तो सो रहा है। अरे भाई टाइगर जिंदा हो जा, टाइगर 3 आ रही है। टाइगर तो भाई सोया हुआ है, टाइगर के सेक्शन में हम गए थे लेकिन टाइगर तो सोया हुआ है, देखने तो मिला लेकिन सोया हुआ है टाइगर। सो कोई बात नहीं, अगर जाते टाइम टाइगर उसकी नींद कम्प्लीट होती है तो हम आपको टाइगर एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाएंगे टाइगर को। सो अभी हम चलते हैं सांबर के सेक्शन में।
तो गाइज ये पूरा सांभर का सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये सांभर पे है। तो गाइज हमने देख लिया है सांभर का सेक्शन। अब सांभर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन सांभर बोलते इतना मालूम है। तो पता है क्या बोलते हैं उसको? तो इडली के साथ खाते हैं ना सांभर। वही है, इसको आप खा सकते हैं इडली कुछ भी। वो तो साउथ इंडियन फेमस डिश है भाई, ऐसा कुछ भी मत बोलो। सांभर, इडली सांभर, ये साउथ इंडियन फेमस डिश है वो। सो अभी हम चलते हैं हिप्पो के सेक्शन में, और आप देख सकते हैं गाइस के हर सेक्शन के सामने है ना, मतलब जहाँ जहाँ ओपन स्पेस मिला है इनको, वहाँ वहाँ इस गार्डन में या इस जू में बोल सकते हैं आपके, ये गार्डन जैसा बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे भी गार्डन है और ये एक सामने भी गार्डन है, ये देखिए। तो जहाँ जहाँ भी जगह मिली है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ किया हुआ है। सो गाइज ये हिप्पो सेक्शन है, आप देख सकते हैं कि वहाँ वहाँ देख सकते हैं आप। गाइज हमने हिप्पो को देख लिए। सो हिप्पो को अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाँ, गेंडा। गेंडा हिप्पो को लोकल लैंग्वेज में या इंडिया में आप बोल सकते हैं हिंदी में, उसको गेंडा बोलते हैं। तो अभी हम चलेंगे बंदर के सेक्शन में, मंकी के सेक्शन में। सो लेट्स गो, चल के देखते हैं मंकीज को। मंकी का सेक्शन, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकिंग डियर के सेक्शन में। ब्रेकिंग डियर को मराठी में क्या बोलते हैं? कांकर। कांकर, तो अभी हम जा रहे हैं कांकर के सेक्शन में। ये रहा मतलब एक हिरन, हिरन भी बोलते हैं ना उसको? हाँ, हिरन का ही एक किस्म का बोलते हैं ना, वन काइंड ऑफ हिरन। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी कांकर। सो गाइज यहाँ पे कैफ़े है, कैफ़े वाइल्ड करके कैफ़े है। सो आपको अगर यहाँ पे कुछ खाने का मन हो तो आप यहाँ पे स्नैक्स खा सकते हैं। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं पेंगुइन के सेक्शन में। यहाँ मैप लगा हुआ है, आप हमको दिखाते हैं। ये मैप लगा हुआ है यहाँ पे, अभी हम यहाँ खड़े हैं ना अदनान, अभी हम यहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ से यहाँ जाना है, वो सामने पेंगुइन का सेक्शन है। तो चल के देखते हैं पेंगुइन। सो गाइस अब हम आ गए हैं पेंगुइन के सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बिल्डिंग, उसमें पेंगुइन रखे हुए हैं, तो हमें जाके उनको ही एक्सप्लोर करना है। सो गाइस अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, हाँ सेक्शन में जा रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं, हाँ, अंदर आने के बाद बाय, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त फीलिंग आ रही है, ठंडा ठंडा, पूरा एसी, पूरा एयर कंडीशन है। अंदर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है, सुकून सा मिलता है। तो हम अभी चलेंगे अंदर, ये सेक्शन है, ये पेंगुइन का सेक्शन है। बहुत सारे पेंगुइन्स यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको जो क्लाइमेट चाहिए रहता है ठंडा एकदम कोल्ड, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये एसी वीसी लगाई हुई है यहाँ पर सब, क्योंकि पेंगुइन ठंडी एरिया में रहते हैं।
देख सकते हैं ये कि फूड काउंटर है जहाँ पे आपको पॉपकॉर्न्स ये वो सब मिलेंगे। सो गाइज हमने फूड काउंटर से लिया है वेनिला पेस्ट्री, वेनिला आइसक्रीम। तो अभी इसका हम लुत्फ उठाते हैं और अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फूड काउंटर है यहाँ पे। तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा पर पीस 30 रुपीज़, है ना, पर पीस 30 रुपीज़ का एक पेस्ट्री मिलता है यहाँ पे, ये आइसक्रीम। तो इसका टेस्ट भी अच्छा है। दन कैसा है टेस्ट? अच्छा है। अच्छा है ना भाई। जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे पेंगुइन सेक्शन से तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक फूड लाउंज बना हुआ है जो एक मॉल की वाइब देता है आपको। जैसे मॉल में KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह होते हैं उसी टाइप में, उसी के व्यू के अकॉर्डिंग है बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के खाना वाना सब खा सकते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टाइगर के सेक्शन में वापस से। तो देखते फर्स्ट, पहली बार जब गए थे वहाँ पे सेक्शन में तो टाइगर सोया हुआ था। अभी चल के देखते हैं टाइगर जिंदा हुआ है या नहीं। देखो देखो। सो चल के देखते हैं टाइगर के सेक्शन में टाइगर देखने मिलता है या नहीं वापस से। सो लेट्स गो। तो गाइस टाइगर के सेक्शन में पहले से ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब कि टाइगर जिंदा हो गया है। तो चल के देखते हैं हम भी। गाइस फाइनली टाइगर देखने मिल गया। इसका मतलब मैंने कहा था ना, आपने कहा था शुरू में टाइगर सोया हुआ है। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, टाइगर अभी जिंदा है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पब्लिक टाइगर के सेक्शन में ही है क्योंकि लोगों को वो देखने मज़ा आती है, है ना। और आपने बोला था Tiger 3 आने वाला है ना। Tiger 3 तो आने वाली है, सलमान खान की मूवी। 3 टाइगर देखने मिले। हाँ, यहाँ पे भी 3 टाइगर है। तो इसका मतलब Tiger 3 बवाल मचाने वाली है, है ना। अभी हम जा रहे हैं बर्ड्स के सेक्शन में। तो बर्ड्स के सेक्शन में चल के देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है। पैरोट देखेंगे और डग देखेंगे, टर्टल होगा, बटरफ्लाई होगा। सो चल के देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है। मतलब ये तो वहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड कि ये बर्ड्स है वहाँ पे, तो अवेलेबल कौन कौन से है वो देखते चल के, है ना। सो लेट्स गो, चल के देखते बर्ड्स के सेक्शन में क्या क्या देखने मिलता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई है, एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये जो स्पॉट है ये आपको बर्ड्स के सेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना तब दिखेगा। सो बच्चों को आप यहाँ पर ला के इंजॉय करवा सकते हैं। अदनान, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाई हुई है वो देख के आप कैसा लगा? मस्त फीलिंग है। हाँ, अपने बचपन की ताज़े याद हो गई। क्या बोला तूने? अपने बचपन की ताज़े याद हो गई। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन की ताज़े याद हो गई नहीं, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो ये एक अच्छा सेक्शन है यहाँ पे जो देख के थोड़ा अच्छा लगा कि बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है खेलने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पे आए तो बोर ना हो जाए, है ना।
तो इसके लिए ये बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाई हुई है, तो अच्छा है, बच्चों के लिए भी कुछ इन्जॉयमेंट हो जाएगा और एक वेकेशन भी हो जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आओ फैमिली के साथ, तो ये एरिया में, इस एरिया में ज़रूर आना और बच्चों को खुला छोड़ देना, एकदम खुले सांड की तरह जो चाहिए मर्जी करने दो बच्चों को। बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जहाँ रोक टोक करनी चाहिए वहीं पर करनी चाहिए। बाकी ऐसे एरिया में ला के बच्चों को आप अगर खुला नहीं छोड़ेंगे तो बच्चों को मज़ा कैसे आएगा। ये है बर्ड्स का सेक्शन, पक्षांचे नंदवन, बर्ड्स पैराडाइज। सो लेट्स गो और चल के देखते हैं बर्ड्स के सेक्शन में क्या क्या देखने मिलता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल के सेक्शन में, तो चल के देखते हैं क्रोकोडाइल को नज़दीक से देखने मिलता है या नहीं मिलता है। लेट्स गो। सो गाइस क्रोकोडाइल के सेक्शन में आप दो जगह से क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ऊपर से देखने के लिए जगह बनाई हुई है और यहाँ से जाएंगे आप तो नीचे से देखेंगे। सो पहले हम ऊपर चल के देखेंगे क्रोकोडाइल को, ऊपर के सेक्शन से कैसा दिखता है क्रोकोडाइल का व्यू, फिर बाद में हम नीचे के सेक्शन से देख लेंगे। तो लेट्स गो, चलो पहले ऊपर के सेक्शन से देखते हैं कैसा दिखता है वो। अभी हम जा रहे हैं ऊपर के सेक्शन में क्रोकोडाइल के। तो गाइस ये ऊपर का सेक्शन है क्रोकोडाइल का, देखने का जो सेक्शन है ऊपर का वो ऐसा है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। तो लेट्स सी देखता है कि नहीं दिखता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहाँ है अदनान, देख ही नहीं रहे, वो रहे वहाँ है उधर, काफी दूर है वो, देखो तो। सो गाइस क्रोकोडाइल के दो सेक्शन बनाए हुए हैं, तो एक तो ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है और एक वो सेक्शन है।
तो अभी उस सेक्शन में जाके देखेंगे अपन। वो देखो अदनान, बहुत बड़ा है, क्या साइज है भाई। तो भाई देख सकते हैं आप ये क्रोकोडाइल कितना बड़ा है। मगरमच्छ देखो, मगर प्यार, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें दो क्रोकोडाइल है, एक ये क्रोकोडाइल है और एक यहाँ रखा हुआ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे के सेक्शन में, तो नीचे के सेक्शन में चल के देखते हैं कैसा दिखता है वो व्यू। तो गाइस नीचे का सेक्शन कुछ ऐसा व्यू है नीचे के सेक्शन का, और क्रोकोडाइल को देखने के लिए ग्लास कोटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है देखने के लिए, अगर क्रोकोडाइल नज़दीक हो तो आप उसको, आपको देखने के लिए उसको बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो क्रोकोडाइल दिख नहीं रहा यहाँ से, क्योंकि ऊपर की साइड में हूँ, यहाँ से क्रोकोडाइल दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा उधर सो रहा है ये क्रोकोडाइल, यहाँ पे दिख रहा है। और वीडियो में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं आपको, लेकिन मेरे को लाइव अच्छा दिख रहा है देखने के लिए। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, तो आप यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग रिलैक्स करते हैं बैठ के, काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बिप्टा देखने, लियोपार्ड, हाइना और क्या बाकी रहा अपना नाम, वुल्फ। तो ये तीन सेक्शन बाकी रहेगा हमारे देखने के, तो अभी उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो, चल के देखते। सो अभी हम जा रहे हैं हाइना और लियोपार्ड के सेक्शन में, हाइना और बिप्टा। तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है देखने के लिए उसको, हाइना और बिप्टा को, मतलब लियोपार्ड को। सो देखते अभी। तो गाइस अभी हम हैं हाइना के सेक्शन में, वो देखो हाइना सो रहा है वहाँ पे, हम जा रहे हैं वुल्फ के सेक्शन में। ये रहा वुल्फ का सेक्शन, गोल्डन जैकल, कोला अपने गांव में बहुत आते हैं ना, कोले। ये क्या पता है वुल्फ का। सो गाइस वुल्फ के सेक्शन में वुल्फ तो कहीं दिख नहीं रहा है, आई थिंक सोया होगा वो भी। सो गाइज ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए, एक्सप्लोर कर लिए, है ना अदनान। और अब हम थक गए, काफ़ी बड़ा है भाई बाइकल लग जो है ना, बहुत बड़ा है। तो चल चल के हमारी हो गई हालत ख़राब। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और चलते हैं अपने घर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, अपने रिलेटिव को दिखाएं, क्योंकि यह ऐसी जगह है जहां आप आके देख सकते हैं, मतलब फैमिली के साथ आके देख सकते हैं ना। यहां कुछ ऐसी वल्गैरिटी नहीं है कि मतलब कोई कहां बैठा है, कुछ कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, समझ रहे हो ना आप बोलने का मतलब। सो ऐसी कुछ यहां पे गंदी हरकतें नहीं होती है, आप अपने फैमिली के साथ आके यहाँ इंजॉय कर सकते हैं और पूरा बाइकल लज्जू एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। एक बार विजिट करें, आप भी
इसमें जो जानवर रखे गए उसका मज़ा ले, ये अपील है आपसे, आप भी एक बार विजिट करें और हमको भी आपके जो कमेंट में बताएं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, आप भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। हमें तो आके यहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना अन्ना? बहुत अच्छा लगा। एक्सेप्ट दो तीन जो स्पॉट्स है, मतलब सेक्शंस है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा एक्साइटेड चीज़ नहीं आई है अभी तक। जैसे कि लायन का मेन तो लायन का सेक्शन है, जहाँ वो लायन का आना सेक्शन अभी बाकी है वहाँ लायन का आने में। सो अगर लायन यहाँ आता है तो इसमें और चांद चांद लग सकते हैं ना। सो यही था आज के लिए। सो करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म और चलते हैं अपने घर। तो बाय।